नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी कहते हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। जन्म 28 सितंबर सन 1929 में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपना एक अलग मकाम बना रखा था। ये किस्सा मशहूर रहा कि शुरू में लता मंगेशकर को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था और इनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर जी के बहुत से शिष्य थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने बाबा की गैर हाजिरी में नन्ही लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया और बताया कि ये राग ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता है। वो नन्ही सी बच्ची इस बात से बेखबर थी कि पीछे उसके पिता खड़े हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी ने लता जी की आई से कहा कि अरे, मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, मुझे यह ख्याल ही नहीं था कि एक गवैया तो हमारे घर में भी है। और उस दिन से घर में ही लता जी की संगीत की शिक्षा शुरू हुई। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बहुत छुटपन में ही लता मंगेशकर अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती थी। एक मर्तबा हुआ यूं, एक नाटक चल रहा था जिसमें नारद का किरदार निभाने वाला अभिनेता नहीं पहुंच पाया। दीनानाथ मंगेशकर बहुत परेशान थे और नन्ही से लता ने जाके कहा कि बाबा कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो अगर आप कहें तो मैं उसका रोल निभा देती हूँ। दीनानाथ मंगेशकर को जरा अजीब लगा और कहा, कहाँ, तू इतनी छोटी सी है और स्टेज पे तू मेरे साथ गाना गाएगी, अजीब सा लगेगा। पर लता जी ने कहा कि बाबा देखना, मैं वंस मोर लेकर आऊंगी, एक अवसर तो दें, और कोई चारा भी तो नहीं, वो अभिनेता और गायक अभी तक तो आया नहीं है। और इस तरह से लता जी ने अपने बाबा के साथ परफॉर्म किया और यकीनन वंस मोर आया। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। लता जी की आवाज के जादू ने फिल्म जगत में तो धूम मचाई, पर इस मकाम तक पहुँचने से पहले लता जी की जिंदगी में अजब उतार चढ़ाव रहे। बचपन में ही इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी, जो कि खुद एक बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे, उन्होंने लता जी से कहा था कि देख बेटी, तू आगे जाकर इतनी सफल होगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा, और हाँ, तेरी शादी भी नहीं होगी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुझ पर ही रहेगी। नन्ही से लता उस वक्त समझ नहीं पाई कि इनके बाबा बहुत जल्द जाने वाले हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। दीनानाथ मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया, पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधों पर आई और स्टेज के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने शुरू किए। जीवन के पिंजरे में मन था ये पंछी, जीवन के पिंजरे में मन था ये पंछी। मास्टर विनायक की कंपनी में ये काम किया करती थी, वही मास्टर विनायक जिनकी बेटी नंदा आगे जाकर बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री बनी। लता मंगेशकर को ये कतई पसंद नहीं था कि वो एक्टिंग करें, और एक मर्तबा शूटिंग से ये लौटी और घर आकर फूट फूट कर रोने लगी। जानती थी कि छोटे भाई बहनों और परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। पर जब इनकी माँ ने पूछा कि रोई क्यों, तो कहने लगी, यह बनावट मुझसे नहीं होती, मुझे सिर्फ गाना ही गाना है। किस्मत ने इनकी बात सुनी भी, इन्हें संगीत की शिक्षा तो मिली पर फिल्म इंडस्ट्री में इनको काम आसानी से नहीं मिला। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इनकी आवाज को सुनकर ये कहा गया था कि आवाज इतनी पतली है, ये प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं। और इनके गुरु और गॉडफादर मास्टर गुलाम हैदर ने यह बात साबित करने का बीड़ा उठा लिया कि लता जैसी आवाज किसी और के पास नहीं है। मास्टर गुलाम हैदर ने एक अहम भूमिका निभाई लता जी के जीवन में, ना ही सिर्फ बड़े ब्रेक दिलाए बल्कि ये विश्वास भी रखा कि एक दिन सिर्फ इसी की आवाज गूंजेगी, बाकी सारी आवाजें इसके आगे फीकी रहेंगी। और ठीक वैसा हुआ भी। कहने की राता
लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो मास्टर गुलाम हैदर रहे या फिर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी रही या मदन मोहन साहब, मुख्तलिफ संगीत के मालिक सलील चौधरी रहे या फिर रोशन साहब, बदलती पीढ़ी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन और कल्याण जी आनंद जी के साथ भी इन्होंने खूब गाने गाए। लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका रहीं जिन्होंने कहा, गाने की रॉयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए। रिकॉर्डिंग की पेमेंट के बाद भी जब तक वो रिकॉर्ड बिक रहा है, उसकी कमाई का छोटा सा हिस्सा गायक के हिस्से में भी आना चाहिए, और इन्हें रॉयल्टी मिली। हालांकि प्रोड्यूसर्स इसके खिलाफ थे। राज कपूर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि लता, मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता, मैं यहाँ पे बिजनेस करने आया हूँ। और तब लता जी ने जवाब दिया था, राज साहब, अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में रानी बाग में घूमने नहीं आई। और अपनी बात लता जी ने मनवाई। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, छोड़ के मनाओ रंग बिरंगी और मान लो जो कहे किसी के लिए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर बतौर संगीतकार भी काम कर चुकी हैं। जी, इनके ऊपर खासा दबाव था कि लता मंगेशकर को भी म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए, पर लता जी म्यूजिक डायरेक्टर बनके दूसरे संगीतकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहती थीं। इसलिए इन्होंने अपने शुभचिंतकों की जिद पर नाम बदला और संगीत दिया। मराठी फिल्म थी राम राम पाहुना, और बतौर संगीतकार लता जी ने अपना नाम रखा था आनंद घन। और ये राज भी तब खुला जब एक अवार्ड फंक्शन में बार बार आनंद घन को मंच पर बुलाया जा रहा था और वो वहां पर मौजूद होते हुए भी स्टेज पर नहीं चढ़ रहा था। जाहिर सी बात है, लता मंगेशकर कैसे जाहिर करती कि वही लता हैं और वही आनंद घन भी। पर लता जी को मंच पे जाना ही पड़ा और इस तरह से ये राज खुला। जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, थोड़ी थोड़ी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। ये बात भी आगे जाकर पता चली कि 60 के दशक में जब लता मंगेशकर एक अलग मकाम हासिल कर चुकी थी, तब इनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला गया था और डॉक्टर ने इन्हें बोला था कोई आपको धीमा जहर दे रहा था, और वो डॉक्टर सही था। इनका एक रसोईया इन्हें हर रोज धीमा जहर दिया करता था, जिसकी वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी, पर इनके बीमार पड़ते ही वो रसोईया भाग गया। अवार्ड्स के मामले में लता मंगेशकर ने कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो पद्म भूषण रहा हो या फिर पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। जहाँ पर फिल्मफेयर अवार्ड्स की बात आती है, तो लता मंगेशकर ने यह फैसला कर लिया था कि अब नए गायक गायिकाओं को मौका मिलना चाहिए, इसीलिए एक वक्त के बाद इन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर बड़ी हसमुख प्रतिभा हैं और इन्हें फोटोग्राफी का बड़ा शौक। ये बात सही कि लता मंगेशकर की शादी नहीं हुई, पर लता जी ने हमेशा कहा कि मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई बहनों के बच्चे भी मेरे खुद के ही तो बच्चे हैं। हर संगीतकार के साथ लता मंगेशकर की ट्यूनिंग खूब जमी, चाहे वो दादा बर्मन रहे या फिर उनके बेटे आर डी बर्मन या फिर बदलते वक्त के संगीतकार जतिन ललित और एआर रहमान। लता मंगेशकर ने हर दौर हर युग में अपनी आवाज से सभी का दिल जीता है। जब हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ और बहुत सैनिक शहीद हुए, तब लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जिसे सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। ये बात भी मशहूर रही है कि लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका हैं जो गाने के लफ्ज सुनकर ही उस गाने को रिकॉर्ड करती हैं। यदि कोई भी आपत्तिजनक शब्द हुआ तो लता जी उस गाने को रिकॉर्ड करने से इनकार कर देती। गजलें रहीं या फिर रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा या फिर सपनों भरा, हर जज्बात को लता जी की आवाज मिली है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे।